दोस्तों बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, टाइगर 24 मूवी जो अमेज़न प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे शायद ही कोई वाइल्ड लाइफ लवर जानता होगा। जाहिर है ऐसे में एक नॉर्मल इंसान तक ये मूवी शायद कभी नहीं पहुंचेंगी। लेकिन अगर ये कोई बॉलीवुड या फिर साउथ की मूवीज होती तो पूरा देश इस पर बातें कर रहा होता, सभी मीडिया चैनल्स इसका रिव्यू कर रहे होते, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनका मूवी रिव्यू चैनल है सब इस पर भर भर के वीडियोस बना रहे होते। लेकिन यह एक वाइल्ड लाइफ टाइगर से जुड़ी मूवी है, इसीलिए इस पे शायद ही कोई बात करेगा। पर दोस्तों क्या हम वाइल्ड लाइफ लवर्स की यही पहुंच है? टाइगर 24 मूवी जब मैंने देखा दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मैंने क्या महसूस किया। एक तरफ उस्ताद के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ उनके लिए भी जिनके परिवार को उस्ताद टाइगर ने मार डाला था। वेल, आप में से जो लोग नहीं जानते हैं कि उस्ताद यानी टाइगर 24 कौन है, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक समय उस्ताद यानी T24 रणथंभौर नेशनल पार्क का राजा हुआ करता था, लेकिन समय का चक्रव्यूह इस कदर घुमा और उसने कुछ लोगों को मार डाला जो उसके टेरिटरी में आ गए थे, और यही वह पल था जिसने उस्ताद को एक राजा से पार्क का सबसे बड़ा विलन घोषित कर दिया और उस पर आदमखोर का टैग लग गया, जिसकी वजह से उस्ताद यानी टाइगर 24 की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जो किसी ने नहीं सोचा था। उसके बच्चे और उसके पार्टनर टाइग्रेस नूर के साथ क्या हुआ था, ये सब डॉक्यूमेंट्री में इतने शानदार तरीके से दिखाया गया है, यकीन मानिए दोस्तों दिल छू जाता है। वॉरेन परेरा जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग के कला से उस्ताद की कहानी को हम सभी के सामने बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया है। सच कहूं तो उनकी सालों की मेहनत और इन्वेस्टमेंट हम सबके सामने टाइगर 24 के रूप में अवेलेबल है। अब ये हम पर है कि हम इस मूवी को सपोर्ट करें ताकि वॉरेन आगे और ऐसे ही शानदार मूवी बनाए, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ टॉपिक्स पर बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और मूवीज बनाते हैं। ऐसे में वॉरेन सर ने काफी हिम्मत का काम किया है और अब ये हम पर है कि हम इस मूवी को सपोर्ट करें ताकि वॉरेन आगे और ऐसे शानदार मूवी बनाए। वेल, अमेज़न प्राइम पर टाइगर 24 मूवी 149 रुपीस में रेंट पर अवेलेबल है। दोस्तों इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन इसमें कई जगह हिंदी यूज किया गया है और सबटाइटल्स भी हिंदी में है, इसलिए आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी समझने में। बहुत ही सिंपल तरीके से इस मूवी को पेश किया गया है, इसलिए जब आप इस मूवी को देखेंगे तो यकीन मानिए ये डॉक्यूमेंट्री इस कदर आपके दिल और दिमाग में घर कर जाएगा, आप बस यही सोचेगा कि इस दुनिया में एक टाइगर की क्या जगह है और आखिरकार एक टाइगर मैन ईटर या फिर आदमखोर क्यों बनता है, और अगर वो बन जाता है तो उसके साथ आखिर क्या होता है। वेल दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 149 रुपीस कौन देगा, बट कहीं ना कहीं आप भी दिल से जानते हैं कि अगर साउथ या बॉलीवुड की मूवी हॉल में आप देखने जाते हैं तो ऐसे हालात में 149 रुपीस से कहीं ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। दोस्तों जब आप इस मूवी को रेंट कीजिएगा और इसे देखिएगा तो एक बार मुझे थैंक्स जरूर कीजिएगा, इसलिए प्लीज इस मूवी को रेंट आउट कीजिए और एक बार जरूर देखिए। दोस्तों आगे मैं ये भी ऐड करूंगा कि वॉरेन सर ने इस बात को बड़े ही शानदार अंदाज में डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि वाकई एक आदमखोर टाइगर होता क्या है। सच कहूं तो आजकल हर यूट्यूबर छोटे छोटे बात पर टाइगर को आदमखोर घोषित कर देता है, लेकिन दोस्तों आप ये बात तो जानते हैं एक या दो अटैक से टाइगर कभी आदमखोर नहीं होता है, पर उस्ताद का केस बहुत ही अलग था। यकीन मानिए मैंने लाइफ में इतनी शानदार टाइगर डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं देखी थी। अब मैं आप लोगों से दो चीजों की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और अगर आप वाकई वाइल्ड लाइफ लवर हैं और भारतीय टाइगर को जरा भी प्यार करते हैं तो मेरे साथ मिलकर इस शानदार डॉक्यूमेंट्री को लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए, जिसके लिए आपको दो चीज करना होगा। पहला तो ये, इस वीडियो का लिंक आप अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और उन्हें बताएं कि अमेज़न प्राइम पर इस मूवी के बारे में, और दूसरा इंस्टाग्राम पर आप सभी स्टोरीज अपलोड करें और इन बड़े मूवी रिव्यू चैनल्स को टैग करें जिनका नाम अभी मैंने डिस्प्ले पर शो किया है, क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हैं दोस्तों कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है इस मूवी को मास ऑडियंस तक पहुंचाना। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सच में फैक्ट्स फिल्म परिवार का हिस्सा हैं और भविष्य में ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज को देखना चाहते हैं डायरेक्टर का मनोबल बढ़ाकर, तो प्लीज इस मूवी को सपोर्ट करें। आप सबसे मेरी यह एक गुजारिश है,
और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और कमेंट से कोशिश करें वायरल करने की। दोस्तों उम्मीद है आप मेरे साथ ही इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइगर कंजर्वेशन में मदद कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट में #tiger24 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।